धर्म के सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में रामायण का नाम लिया जाता है। रामायण का सार यही है कि अंत में अधर्म पर धर्म की विजय होती है, और रामायण के कई तथ्यों से लोग बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन आज भी रामायण काल के कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे लोग अनजान हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम ने अपना पूरा जीवन धर्म के मार्ग पर चलकर व्यतीत किया था, और माता सीता ने भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया था। इस बात से तो हम बखूबी परिचित हैं कि रावण माता सीता को धोखे से अपहरण करके ले गया था। लेकिन यहाँ पर सोचने का विषय ये है कि जब रावण के पास भव्य सोने की लंका थी, फिर रावण ने लंका को छोड़ माता सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा? कई लोगों के लिए ये आज भी रहस्य है। चलिए आज हम आपको बताते हैं इस रहस्य के पीछे के सच के बारे में। आखिर रावण ने ऐसा क्यों किया? जब रावण माता सीता से जबरदस्ती विवाह कर सकता था, तब भी उसने माता सीता को छूने का प्रयास तक नहीं किया। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे वाक्य के पीछे के रहस्य के बारे में। इसका प्रमुख कारण था नल कुबेर दिया गया श्राप। बता दें आपको, रावण की लंका का निर्माण कुबेर द्वारा करवाया गया था, और उनके पुत्र थे नल कुबेर। एक बार रावण अपने विश्व विजय अभियान के लिए स्वर्ग गया। वहां उसकी दृष्टि स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा रंभा पर पड़ी। रावण उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया और उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को समझाने का प्रयास किया। रंभा ने उसको समझाया कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे की पत्नी हूँ, यानी कि मैं आपकी पुत्रवधु हूँ। लेकिन रावण ने यहाँ पर उसकी एक न सुनी और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जब नलकुबेर को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए, और नलकुबेर ने रावण को श्राप दिया कि भविष्य में वो कभी भी किसी स्त्री को उसकी स्वीकृति के बिना छुएगा या महल में रखने का प्रयास करेगा तो वो अग्नि में भस्म हो जाएगा। इस वजह से रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा, और उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान अशोक वाटिका में ही रखा गया, और रावण ने कभी माता सीता के पास जाने का साहस भी नहीं किया। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।